Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching the new session of Current Affairs Live 2.0 version with me on the morning of 25th August 2017. जी हाँ, एक बार फिर आप और हम मिलके कर रहे हैं दिन की शुरुआत. जल्दी से तैयार हो जाइए अपने ब्रेकफास्ट टीज एंड कॉफीज के साथ, सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय ईच एंड एवरी हेडलाइन प्रोवाइडेड इन दिस सेशन. और आपको पता है इस सेशन में होंगे कई सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर, जिसको लेके जुड़ेंगे जीए गुरु हमारे साथ. तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो कनेक्ट एंड अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन. 25 अगस्त 2017 की सुबह हो चुकी है, महिंद्रा गुरु के साथ आप और हम जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे. तो चलिए लेट्स बिगिन अप विद द सेशन एंड लेट्स लुक अपॉन टू द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट हेडलाइन. राजीव बंसल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया बाय GOI. राजीव बंसल को भारत सरकार द्वारा एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. सो समहाउ हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये मिस्टर लोहानी के अपॉइंटमेंट के बाद का स्टेप है. बिल्कुल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कल ही हमने इस न्यूज हेडलाइन को आपके साथ शेयर किया था, डिस्कस किया था. तो आज उनका पद जो वेकेंट हुआ, उनकी पोस्ट जो वेकेंट हुई, उसको फुलफिल किया है राजीव बंसल ने. कहां से ये आते हैं और किस तरीके से ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है, इंपॉर्टेंट क्या क्या होंगे क्वेश्चंस जिस पे करना होगा हमें ध्यान, तो चलिए चलते हैं जीए गुरु की तरफ और जानते हैं उन्हीं से इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. गुड मॉर्निंग इंडिया, एक न्यूज आपके साथ, अपॉइंटमेंट की और कहीं ना कहीं राजीव बंसल का नाम आ रहा है. और कल भी हमने एक न्यूज देखी थी कि रेलवे बोर्ड से रिलेटेड थी, अश्विनी लोहानी की, उनको अपॉइंट किया गया. पहले वो एयर इंडिया के साथ जुड़े हुए थे, तो ये पद खाली हो गया था चेयरमैन डायरेक्टर का, तो वो वहां चले गए. तो यहां भी अपॉइंटमेंट बनता है बिल्कुल, लेकिन यहां अपॉइंटमेंट की बात करेंगे. यहां चेयरमैन डायरेक्टर जो बने हैं वो राजीव बंसल इंटरिम बने हैं. इंटरिम मतलब यहां पर कहना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए बने हैं. मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि इंटरिम वर्ड का मतलब होता क्या है. बेसिकली इंटरिम वर्ड जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म. इंटरिम आप खुद बोल सकते हैं, इंटरिम पार्टी अगर बोलते हैं, हाँ यार भाई थोड़े समय की पार्टी, तो इंटरिम वर्ड कहीं भी लग जाए, इट मीन शॉर्ट टर्म. तो इन्हें 3 महीने के लिए अपॉइंट किया गया है. तो इस न्यूज को जरा समझते हैं ब्रीफ मैनर में कि अपॉइंटमेंट में टैग करेंगे. एयर इंडिया के चेयरमैन डायरेक्टर बने हैं और उनका नाम है राजीव बंसल. टेनर रहेगा उनका 3 मंथ्स का, और इनको रिप्लेस किया अश्विनी, मतलब इन्होंने रिप्लेस किया अश्विनी लोहानी को, जो रेलवे बोर्ड के हेड बने हैं. रेलवे बोर्ड के जो हेड है वो है AK मित्तल. उन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया था जब ये दो डीरेलमेंट देखने को मिले थे कि दो ट्रेन पटरियों से उतर गई थी, जिसकी वजह से बहुत व्यक्तियों का देहांत हो गया था, इंजरी भी हो गई थी. तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने, AK मित्तल ने वहां से अपना रिजाइन दिया था. तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने थे अश्विनी लोहानी. एयर इंडिया का पद खाली हुआ तो एयर इंडिया के चेयरमैन डायरेक्टर बने राजीव बंसल. राजीव बंसल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. तो दोस्तों अगेन याद रखिएगा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, एक और आपके क्लियर हो रहा होगा अपॉइंटमेंट के नाम से, याद रख सकते हैं, वो उनका नाम रहेगा राजीव बंसल. यहां बात की जाएगी सिविल एविएशन मिनिस्टर की, अशोक गजापति राजू प्रजापति जी की, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी विजयनगरम. तो दोस्तों यहां पर अगेन आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको इनका बिल्कुल नाम याद रखना है कि मिनिस्टर का नाम भी याद रखना है. अगेन मैंने फिर बोला, अगर मिनिस्टर का नाम आ रहा है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी तो इंपॉर्टेंट बनती है, वो भी आपको याद करके चलना है. तो यहां पर एक कंप्रेस मैनर में बोल सकता हूं, ब्रीफ मैनर में आपकी ये पर्टिकुलर न्यूज बिल्कुल क्लियर होगी कि अपॉइंटमेंट किसका हुआ, रिप्लेस किसको किया, इवन टेनर कितना रहा उनका, इवन उसके उनके पास एडिशनल और कौन से चार्जेस हैं वो भी क्लियर होगा. और जिस मिनिस्ट्री की बात हो रही है वो मिनिस्टर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बिल्कुल क्लियर होगी. आई होप चलते हैं अब आगे न्यूज. बिल्कुल, तो बात करें यहाँ, आप सभी कमेंट बॉक्स पे कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं, दैट इज रियली नाइस. आप सभी का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और एक एफर्ट आप सभी के बीच जो बना रहता है वो होता है जरूरी. क्यों? ताकि आप आपस में कर सके शेयर सारे के सारे फैक्ट्स एंड इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर सके. तो बिल्कुल बढ़ते हैं इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के साथ. अपॉइंटमेंट एक हमको देखने को मिला आज के सेशन में सबसे पहला, देखते हैं अगला पार्ट क्या होगा. लेट्स लुक अपॉन टू द नेक्स्ट हेडलाइन. Tony D. Brum, who had a supporting role in 2015 Paris Agreement on Global Warming, died. He was 72. ग्लोबल वार्मिंग पर 2015 पेरिस समझौते कराने में सहायक की भूमिका निभाने वाले टोनी डी ब्रूम का निधन हो गया है.
वे 72 वर्ष के थे. सो यस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओबिचरी की. वंस अगेन एक और नाम जुड़ा है यहाँ पे, और ओबिचरी की बात करेंगे. सो उसकी एक लिस्ट अलग तरीके से आप बना सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे उनकी रिलेटेड फील्ड्स और उनके रिलेटेड फैक्ट्स को आप रिकॉल रिवाइज कर सके. पर्टिकुलर इस न्यूज की बात करें तो टोनी डी ब्रम का तो नाम यहाँ निकल के आया है, बट पेरिस अग्रीमेंट का भी जिक्र हुआ है. तो इन सारे एस्पेक्ट्स और इन सारे फैक्ट्स को क्लियर करेंगे जीए गुरु. तो चलते हैं उन्हीं की तरफ. टोनी डी ब्रम की बात करें तो बेसिकली इंपॉर्टेंट बनता है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो वो बिलोंग करते हैं मार्शल आइलैंड से. उससे पहले यहाँ पर एक और चर्चा की जाएगी कि पेरिस एग्रीमेंट का मतलब क्या है. दोस्तों याद करिए 2015 का दिन जब बहुत सारी कंट्री एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने डिसाइड किया था कि 2030 तक कार्बन एमिशन को खत्म करना है. उसका लॉजिक सिर्फ इतना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे वर्ल्ड के लिए इन फ्यूचर नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं. इसलिए पहले से ही बोला गया है कि भाई मेरे रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी लाइए और जितने भी ये फ्यूल्स वगैरह हैं इन पर डिपेंडेंसी खत्म करिए. तो ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ था और इन्होंने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर बनते हैं. अब इनसे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो बेसिकली वो पूछ सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड थे. वो पॉलिटिकल लीडर थे, इवन आपको याद रखना है कि वो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे. कंट्री थी मार्शल आइलैंड. यहां मैंने यूएस का नाम इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने 1946 से 1958 तक 67 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे मार्शल आइलैंड पे. तो दोस्तों अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि मार्शल आइलैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर कितने न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे और कब से कब तक हुए थे. मार्शल आइलैंड की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट कब हुआ था, इंडिपेंडेंस इसे कब मिली थी, 1979 में इसे स्वतंत्रता मिली थी. दोस्तों यहां पर मार्शल आइलैंड की बात करें तो उसके फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे, चाहे प्रेसिडेंट कहिए, चाहे कैपिटल कहिए, चाहे करेंसी कहिए. तो प्रेसिडेंट की बात करें हिल्डा सी हैनी, कैपिटल बात करते हैं मजूर और करेंसी बात करते हैं डॉलर. देखिए यहां पर बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि कोई भी कंट्री का नाम आता है तो वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही आता है. अल सल्वाडोर को हटा दीजिए तो उसके अलावा कहीं ना कहीं आपने स्पेन हुआ या पुर्तगाल हुआ, सारी कंट्रीज के नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे. बट इन कंट्रीज के नाम अगर देखें तो मार्शल आइलैंड हुआ, अल सल्वाडोर हुआ, इनके नाम नहीं सुने. और एग्जामिनर वही छोटे छोटे आइलैंड की कैपिटल करेंसी बहुत पूछ रहा है, तो आपको ये भी याद रख के चलना है कि मार्शल आइलैंड की बात करें तो उसकी कैपिटल क्या है और इवन उसकी करेंसी भी क्या है. क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूज से यहां पर ओबिचरी की बात कर रहे हैं तो उस पर्सन का नाम, उसका फील्ड और उससे रिलेटेड फैक्ट में अगर कंट्री का नाम आ रहा है तो उसके पैरेलल आप कैपिटल करेंसी भी लर्न करते चलिए. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. बिल्कुल बात करें यहां अपॉइंटमेंट के बाद, ऑबिचरी के बाद एक और लिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स की बात होगी और आप सभी को एक बहुत अच्छा फैक्ट अगली न्यूज हेडलाइन में पता चलेगा. तो चलिए जल्दी से उसी पे नजर डालते हैं, देखते हैं व्हाट इज बेसिकली दैट हेडलाइन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हैव फीचर्ड इन द लिंक्डइन पावर प्रोफाइल्स लिस्ट ऑफ 2017. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को 2017 की लिंक्डइन पावर प्रोफाइल सूची में शामिल किया गया है. So, अब बात यहां पे हो रही है स्टैटिस्टिकली एक लिस्टिंग की. हम सभी ये चीज जानते हैं कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कहीं ना कहीं हर तरीके से कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक जरिया होती है, एक माध्यम होती है. तो यहां अगर हम बात करें सो टू ऑफ द रिनाउंड पर्सनालिटीज ऑफ आर कंट्री, एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस और एक सोशल फिगर और दूसरे हमारे कंट्री के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों को ही कहीं ना कहीं इंक्लूड किया गया है लिंक्डइन पावर प्रोफाइल्स की लिस्ट में. और कौन है इनके अलावा इस लिस्ट में, डेफिनेटली कोई तो होगा. तो उसका नाम भी जानेंगे और इस न्यूज से जुड़े सारे के सारे फैक्ट्स जानेंगे जीए गुरु से. तो चलते हैं उन्हीं की तरफ. अभी हमने देखा था फोर्ब्स की लिस्ट आई, फॉर्च्यून की लिस्ट आती, यहां पर आपको देख रहे हैं लिंक्डइन की लिस्ट देख रहे हैं. दोस्तों लिंक्डइन की बात करें तो वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है. उसने जो लॉन्च किया उसका नाम है पावर प्रोफाइल लिस्ट, मतलब कि जो उसकी साइट पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं, जिसके फॉलोअर्स हैं, उसके आधार पर जिनकी प्रोफाइल को व्यू किया जाता है उसके आधार पर इस लिस्ट को शो किया गया है, रिलीज किया गया है. तो उसमें प्रियंका चोपड़ा जी का भी नाम है, नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है, इवन बात करें शशि थरूर जो कांग्रेस हैं उनका भी नाम है, और इवन कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल प्राइज विनर है उनका भी नाम है. तो यहाँ पर 50 पर्सनालिटीज की लिस्ट यहाँ पर रिलीज की गई थी. अब बात करते हैं इस रिलेटेड फैक्ट के, पर्टिकुलर किसमें टैग करेंगे तो नेशनल के अंतर्गत टैग करेंगे. और जो लिस्ट निकाली वो लिंक्डइन ने निकाली जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है.
उसका जो एडिशन रहा था, फोर्थ एडिशन रहा था, और पर्टिकुलर लिस्ट भी आपके बिल्कुल क्लियर होगी कि पावर प्रोफाइल लिस्ट है, और इसमें नाम पीएम मोदी जी का रहा, प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम रहा, और प्रियंका चोपड़ा का नाम है, और यहां पर कैलाश सत्यार्थी का भी नाम है दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी से मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट वाकिफ होंगे, क्योंकि 2015 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के लिए, पीस के लिए। आई एम सेइंग 2015, आई एम नॉट सेइंग अबाउट 2016 दोस्तों। 2015 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था नोबेल प्राइज, और वो दिया गया शांति में। 2016 में जो नोबेल प्राइज दिया गया, वो दिया गया कोलंबिया के प्रेसिडेंट जुआन मैनुअल सैंटोस को। तो दोनों ही चीज याद रखिएगा कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था 2015 में, 2016 में नहीं मिला था। 2016 में कोलंबिया के प्रेसिडेंट जुआन मैनुअल सैंटोस को मिला था। अब पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते, इस न्यूज की बात करते, इसके फैक्ट की बात करते, जो लिस्ट निकाली गई है लिंक्डइन के द्वारा, उसमें मोदी जी का भी नाम है, प्रियंका चोपड़ा का भी नाम है, कैलाश सत्यार्थी का भी नाम है, जो कि चिल्ड्रन फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उसके फाउंडर है। यहां पर बात करेंगे लिंक्डइन के फैक्ट की, तो वो फाउंडेड हुआ था 2002 में, उसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में, और चेयरमैन की बात करते हैं रेड हॉफमैन। देखिए यहां पर पर्टिकुलर फिर दोबारा से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वेटेज दीजिए पॉइंट्स को, किस पॉइंट को हमें ज्यादा वेटेज देके चलना है। फर्स्ट पॉइंट, लिस्ट किसकी आई है, लिंक्डइन की। लिस्ट का नाम याद रहना चाहिए, लिंक्डइन पावर प्रोफाइल लिस्ट। थर्ड थिंग, किस किस व्यक्ति के नाम है। फोर्थ प्लेस पे हम जाएंगे, लिंक्डइन के फैक्ट के बारे में लर्न करेंगे। आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज आपके क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। बिल्कुल, तो बात करें यहाँ सारे के सारे फैक्ट्स, समहाउ यू ऑल आर पर्टिकुलरली शेयरिंग ओवर हियर। और बिल्कुल लिंक्डइन कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, या लिंक्डइन एक जो पर्टिकुलर सोशल वेबसाइट है उसकी बात करें, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट है, एज यू हैव टाइप्ड इन द कमेंट बॉक्स, तो दैट इज रियली करेक्ट एंड एक्यूरेट, राइट। चलिए देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन क्या होगी और क्या क्या फैक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड। General Electric GE announced the appointment of Vishal Wanchu as President and Chief Executive Officer of GE South Asia. General Electric ने अपने दक्षिण एशियाई परिचालन के लिए विशाल वांचू को कंपनी का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। So, बात हो रही है यहाँ पे वंस अगेन एक अपॉइंटमेंट की। जनरल इलेक्ट्रिक का अनाउंसमेंट निकल के आया है, विशाल वांचू का नाम जुड़ गया है यहाँ पे साउथ एशिया के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। सो डेफिनेटली वंस अगेन एन अपॉइंटमेंट इज बीइंग शेयर्ड ओवर हियर। क्या क्या फैक्ट्स होंगे, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, उन सबको क्लियर करेंगे जीए गुरु। तो चलते हैं उन्हीं की तरफ। जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो एविएशन सेक्टर से भी जुड़ा हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर से भी जुड़ा हुआ, मल्टीपल बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसने अपॉइंट किया अपने साउथ एशिया ऑपरेशंस के लिए विशाल वांचू को। तो दोस्तों अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगा और दिख भी रहा होगा। और इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर न्यूज को हम टैग करेंगे अपॉइंटमेंट के अंतर्गत। अगेन किसने अपॉइंटमेंट किया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जनरल इलेक्ट्रिक ने किसको अपॉइंट किया, विशाल वांचू को साउथ एशिया ऑपरेशन के लिए। फिर याद रखना, साउथ एशिया ऑपरेशन के लिए प्रेसिडेंट एंड सीईओ बनाया, जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना सीईओ नहीं बनाया, साउथ एशिया ऑपरेशन के लिए प्रेसिडेंट एंड सीईओ बनाया है। उन्होंने रिप्लेस किया है वनमाली अग्रवाला को, जो कि अब ज्वाइन करने वाले हैं टाटा सन्स को एज अ प्रेसिडेंट। अगेन आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है कि वनमाली अग्रवाला क्या अपॉइंट होंगे, वो टाटा सन के प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे। मतलब कि एक ही न्यूज से दोनों फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रिक की, फाउंडेड हुआ था अप्रैल 1892 को। चेयरमैन की बात करते हैं जेफरी इमेल्ट, वाइस चेयरमैन की बात करें जॉन राइस, हेडक्वार्टर वेस्टर्न मैसाचुसेट्स यूएस। यहां वाइस चेयरमैन मेंशन करने का पर्पस सिर्फ इतना रहेगा, जब न्यूज आई थी तो इन्हीं का स्टेटमेंट आया था जॉन राइस का कि इन्हें अपॉइंट किया गया है, इसलिए हमने यहां वाइस चेयरमैन मेंशन किए। अदरवाइज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चेयरमैन बनेगा, दैट इज जेफरी इमेल्ट। आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई मेरे अपॉइंटमेंट मेरे को लर्न कैसे करके चलना है, क्या उसके इमटीरियल चीजों को भी लर्न करना है कि पहले प्रीवियस सेशन में क्या था, वो क्या वर्किंग रही। नो, इतना नहीं आपको डिटेल में जाना, क्योंकि एग्जाम में हम बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के प्रेसिडेंट सीईओ पूछ ले जाएंगे साउथ एशिया के, उसके अलावा अगर जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन पूछे जाएंगे तो जेफरी इमेल्ट रहेंगे, इससे ज्यादा आपको देखने को वहां पर नहीं मिलेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली हेडलाइन की बात करेंगे, अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप सभी से यहाँ कहना चाहेंगे कि लिंक की शेयरिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स हैव नॉट कनेक्टेड विथ अस, और ये कहीं ना कहीं बात आ जाती है यही कि आप सबकी कनेक्टिविटी आप सबके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स प्रोसीड एंड मूव फर्दर टू द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट हेडलाइन विच कम्स ओवर हियर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इशू ₹200 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स इन द महात्मा गांधी न्यू सीरीज। भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी नई सीरीज में ₹200 मूल्य का नोट जारी करेगा। सो यस,
₹50 की न्यू सीरीज की लॉन्चिंग के साथ या इशूइंग के साथ आरबीआई का दूसरा नोट हमारे सामने। ₹200 का नोट आएगा, पिक्चर में आपको क्लियरली दिख भी रहा है, दिस इज समहाउ रिलेटेड टू येलो कलर। अब किस तरीके से और इसका एग्जैक्ट कलर होगा वो तो जीए गुरु बताएंगे ही, लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर नोट के सारे फीचर्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी बन सकता है। ₹50 की नई सीरीज आई है, पुराना नोट भी मार्केट में रहेगा और नया नोट भी जारी किया जाएगा। ₹200 की भी नई सीरीज आ रही है, लेकिन इसको इशू करने के साथ पुराने नोट का कोई भी यहां जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ₹200 का नोट तो अभी तक आया ही नहीं है मार्केट में। तो यस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जीए गुरु के साथ। तो चलते हैं उन्हीं की तरफ। पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है और यहां पर बात की गई है एक ₹200 के नए नोट की। बिल्कुल बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी स्टेटमेंट आया, कल ही आरबीआई का सर्कुलर इशू हो गया था कि ₹200 का नोट 25 अगस्त से बिल्कुल रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर बात जो चल रही है ₹200 के नोट की, उसकी फैक्ट की बात करेंगे, कलर क्या है, साइज क्या है, उसमें सिक्योरिटी फीचर क्या क्या है। तो करते हैं ₹200 के नोट की सबसे पहले कि उस पर मोटिव किसका है, उस पर चित्र किसका बना हुआ है। तो सांची स्तूप का बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में है। अभी हमने देखा था कि 2000 के नोट पर देखा था कि मंगलयान था, 500 के नोट पर बात करें तो रेड फोर्ट देखने को मिला था दोस्तों, और हमने अगर ₹50 के नोट की बात करी थी वहां पर हम्पी था, और यहां मोटिव जिनका है, जिनकी आकृति, जिनका चित्र है, वो है सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। यहां कलर बात की गई है ब्राइट येलो की, जो अभी कलर रहेगा वो ₹200 के नोट का वो ब्राइट येलो रहेगा। देखिए यहां पर अगर कलर आपको बिल्कुल याद रखने हैं तो 2000 के नोट का कलर था मजेंटा, 500 के नोट का कलर था स्टोन ग्रे, और ₹50 के हमने नोट का कलर देखा था कि फ्लोरोसेंट ब्लू रहा था, और यहां पर जो ₹200 का नोट आने वाला उसका कलर रहेगा ब्राइट येलो। डायमेंशन की बात करते हैं, क्योंकि डायमेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि 2000 के नोट का डायमेंशन क्या है। तो यहां पर अगेन ₹200 के डायमेंशन आप याद रखिए 66 mm into 146 mm बनता है। उसकी चौड़ाई की बात करते हैं 66 mm और लंबाई की बात करते हैं 146 mm बनता है। यहां पर मैं एक वर्ड शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, ब्लीड लाइन का मतलब क्या होता है। देखिए समटाइम क्या होता है, जो व्यक्ति फिजिकली इम्पार्ड होते हैं, विजुअली इम्पार्ड होते हैं, मतलब जो आंखों से देख नहीं सकते, वो कैसे पहचाने कि नोट कौन सा है। तो आरबीआई ने एक फीचर दिया दैट इज ब्लीड लाइन का। तो नोट के अगर बात करें लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दो दो लाइन होंगी, दो लाइन इधर, मतलब एक ही साइड में दो फोर लाइन होंगी, तो दोनों लाइन के बीच में दो गोल गोल सर्कल भी आपको देखने को मिलेंगे। ₹200 के नोट की आपको जल्दी वीडियो मिलेगी, उसमें बिल्कुल हम फैक्ट और डिटेल में शेयर करेंगे, बट आपको याद रखना है कि ₹200 के नोट पर ब्लीड लाइन कितनी है, फोर, और उसके बीच में लाइन के बीच में सर्कल कितने, दो हैं। तो उनको टच करते ही आप इजीली फील कर सकते हैं कि हाँ भाई ये ₹200 का नोट है। आरबीआई मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन तक का नोट छाप सकती है, कितने नोट तक का इशू कर सकती है, एज पर आरबीआई एक्ट 1934 दैट इज 10,000। याद रखिएगा एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी कि आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए तक का, कितने वर्ग मूल्य तक का नोट जारी कर सकती है, कितने मैक्सिमम डिनोमिनेशन का नोट जारी सकती है, तो उसका आंसर आएगा 10,000 का, और 10,000 यहां पर लिखा हुआ आरबीआई एक्ट 1934 में। अगेन एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि आरबीआई मैक्सिमम कॉइन कितने तक का इशू कर सकती है, तो उसका आंसर है डिनोमिनेशन है 1000, मतलब नोट है 10,000 और कॉइन की बात करेंगे तो वो रहेगा आपका 1000। एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं तो पहले हम शेयर कर चुके हैं आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, बट यहां पर शेयर करेंगे हम कि प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है, कॉइन कहां कहां पर मिंट होते हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए अगर बात करें इसको याद करने की ट्रिक की प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है, तो आपको पता होगा कि कल श्रीलंका इंडिया का मैच रहा है, दूसरा मैच था, सेकंड ओडीआई मैच था, और बिल्कुल बोल सकते हैं इंडिया हारने की कगार पर था, पर महेंद्र सिंह धोनी आए और भुवनेश्वर कुमार की पार्टनरशिप ने से इंडिया जीत गया। तो महेंद्र सिंह धोनी और उनकी जो मूवी आई थी वो आई थी न्यू, तो शॉर्ट में उन्हें क्या बोलेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को MSDN, तो वही आपकी प्रिंटिंग प्रेस बनती MSDN, मैसूर सालवोनी देवास नासिक। तो याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल, महेंद्र सिंह धोनी की न्यू मूवी MSDN। तो दोस्तों यहां पर मिंट की बात करें कहां कहां पर हमारे कॉइन ढलते हैं, तो आप ऐसे याद रखें मुकेश कुमार का हाउस नंबर MKHN, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं कहां पर नोट छपते हैं, कहां पर कॉइन ढलते हैं, कहां मूवमेंट होती है कॉइन की। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एक पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड बोल सकते हैं, इस नोट से रिलेटेड बोल सकते हैं, कि आरबीआई से रिलेटेड आप प्रिंटिंग प्रेस या मिंटिंग से रिलेटेड बोल सकते हैं, बिल्कुल कवर किए जा रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल, तो बात करें यहाँ अगली हेडलाइन की, तो बढ़ेंगे हम लोग उसी के साथ आगे, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो कमेंट बॉक्स में आप कंटिन्यूअसली जो बने हुए हैं दैट इज रियली नाइस, एंड इंटरेक्ट करते रहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश बिल्कुल हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन।
संजीवनी जाधव, वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स ऑफ इंडियन एथलेटिक्स, क्लिंच द सिल्वर मेडल इन द विमेन्स 10,000 मीटर्स एट द 29th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। भारत की उद्यमीय एथलीटों में से एक संजीवनी जाधव ने 29वें विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट, स्पोर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, अचीवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कई सारे फैक्ट्स है जो निकल के आएंगे सामने, उन्हीं सारे फैक्ट्स को लेके जुड़ेंगे जीए गुरु हमारे साथ एक बार फिर से, तो चलते हैं उन्हीं की तरफ, जोड़ते हैं ताकि जान सके इस न्यूज हेडलाइन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज बनती है, इवेंट की बात हो रही है, 29th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है जिसका वेन्यू रहा था ताइवान ताइपी सिटी में, तो यहाँ पर फैक्ट हम शेयर करेंगे, पर्टिकुलर न्यूज की बात करेंगे कि संजीवनी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, तो पर्टिकुलर फैक्ट पे बात करते हैं और इसके टैग किसके अंतर्गत करेंगे वो रहेगा हमारा स्पोर्ट सेक्शन। तो वेन्यू की बात करें उससे पहले इवेंट की बात की जाएगी, इवेंट का नाम है 29th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स और अगर वेन्यू बोले तो वो रहा ताइपी सिटी और वुमेन्स की एथलेटिक में चैंपियनशिप रही थी अगर बोल सकते हैं, उसमें 10 मीटर की रेस में हाँ गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीता गया और गोल्ड मेडल जिनके द्वारा जीता गया उनका नाम है दारिया मसलोवा जो कि किर्गिस्तान के, दोस्तों अगेन यहाँ पर याद रखना है आपको नाम किर्गिस्तान का कि गोल्ड किसने जीता है, दारिया मसलोवा ने, वो है किर्गिस्तान की और सिल्वर मेडल जीता संजीवनी जाधव जो कि इंडिया की है। मतलब आपके लिए एक फैक्ट यहाँ पर अगेन फिर आएगा, किर्गिस्तान के फैक्ट आपको एडिशनल लेके चलने ही पड़ेंगे क्योंकि कंट्री का नाम आया उसके फैक्ट भी लर्न करने हैं। पर्टिकुलर इस वाले न्यूज की बात करते तो यहाँ पर आपको याद रखना है 29th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का हुए ताइपी सिटी में, उसमें वुमेन्स 10,000 मीटर की रेस में किस इंडियन ने सिल्वर मेडल जीता तो उनका आंसर है संजीवनी जाधव। इसके अलावा बात करते तो संजीवनी जाधव ने 5,000 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता अभी रिसेंट में ही, वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप रही थी, तो आपके लिए दो स्पोर्ट्स यहाँ पर रहे, 29th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप रही उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यहाँ पर ताइवान इंपॉर्टेंट बनेगा, उसकी कैपिटल रही ताइपी, करेंसी की बात करते हैं डॉलर और प्रेजिडेंट की बात करें त्साई इंग वेन, दोस्तों अगेन बोलूंगा कि ये कंट्री का नाम आया उसके फैक्ट भी पहला आप लर्न करते चलिए, चलिए मूव करते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल, तो बात करें यहाँ अगली हेडलाइन की, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट हेडलाइन। सो हियर कम्स द नेक्स्ट हेडलाइन, इंडियाज ओल्डेस्ट सिनेमेटोग्राफर रामानंदा सेन गुप्ता डाइड, ही वॉज 101। भारत के बुजुर्ग छायाकार रामानंद सेन गुप्ता का निधन हो गया, वे 101 वर्ष के थे। सो अगेन एन ऑबिचरी, और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूज हेडलाइंस को कैटेगराइज किया जा सकता है अचीवमेंट्स में, अपॉइंटमेंट्स में, ऑबिचरीज में, इवेंट्स में, अग्रीमेंट्स में और कई तरीके से स्पोर्ट्स में, नेशनल्स में, इंटरनेशनल्स में, लेकिन यहां बात अगर हम करें तो एक और ऑबिचरी जुड़ी है आपके साथ। लेट्स प्रोसीड विद द फैक्ट्स, जानेंगे रामानंदा सेन गुप्ता के बारे में और भी बहुत कुछ और किस तरीके से ये न्यूज हेडलाइन बना सकती है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। सो लेट्स प्रोसीड टू जीए गुरु एंड लुक अपॉन टू द फैक्ट्स। इंडिया के ओल्डेस्ट सिनेमा फोटोग्राफर छायाकार का है, उनका निधन हो चुका है, जिनका जन्म ढाका में बांग्लादेश में हुआ था दोस्तों, तो उनके से रिलेटेड फैक्ट की बात करेंगे। अगर पर्टिकुलर हेडलाइन से ही हम क्लियर करना चाहें तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि इंडिया के ओल्डेस्ट सिनेमा फोटोग्राफर का नाम क्या है जिनका भी रिसेंट में देहांत हुआ है, तो रामानंद सेन गुप्ता। दूसरे शब्दों में यूं भी पूछा जा सकता है कि रामानंद सेन गुप्ता का देहांत हो चुका है, उनकी डेथ हुई है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते, तो ही वॉज द सिनेमा फोटोग्राफर। फैक्ट पे आते हैं, बांग्लादेश के भी फैक्ट शेयर किए जाएंगे, इवन यहाँ पर बात की जाएगी कि इनका देहांत कहाँ हुआ, वेस्ट बंगाल में, तो उससे रिलेटेड फैक्ट को भी हम शेयर आपके साथ करेंगे। पर्टिकुलर ऑबिचुरी में टैग करेंगे रामानंद सेन गुप्ता की बात हो रही है, ओल्डेस्ट सिनेमा फोटोग्राफर है तो एज बिल्कुल जानना बनता है लाजमी, 101 साल के दिन का देहांत हुआ और ये हमारा जिनका देहांत हुआ 23 अगस्त 2017 को। इनके द्वारा जो फर्स्ट फिल्म की गई थी फुल टाइम सिनेमा फोटोग्राफर के रूप में वो थी पूर्वा राग, तो दोस्तों अगेन पहली फिल्म में इनका नाम आपको याद रख के चलना है पूर्वा राग का। और सेकंड बात करें इनका जन्म ही बांग्लादेश से हुआ, बांग्लादेश में ढाका से हुआ, तो बांग्लादेश के फैक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और बांग्लादेश की कैपिटल की बात करते हैं ढाका, करेंसी की बात करते हैं टका और पीएम की बात करें शेख हसीना, तो दोस्तों आई नो इन चीजों से आप वाकिफ होंगे, बांग्लादेश के फैक्ट से तो पहले से आपके क्लियर होगा क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज है तो उनके फैक्ट तो लर्न करके चलना ही हमारे लिए बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैंडेटरी होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट आया था, उन्होंने शोक व्यक्त किया था इनके देहांत पे, तो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, कैपिटल इज कोलकाता, गवर्नर की बात करें तो केसरीनाथ त्रिपाठी। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूज क्लियर हो गई आपके, उनके फैक्ट क्लियर हो गए। सेकंड थिंग बात करें तो एक कंट्री का नाम आ गया उसके फैक्ट आपके क्लियर हो गए। थर्ड थिंग यहाँ पर बात करते हैं कि स्टेट का नाम आ गया आपको, तीसरी चीज सारी क्लियर हो गई। मतलब आप एक स्टैटिक पोर्शन को भी साथ के साथ लर्न करते चल रहे हैं, आपको एडिशनल कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर इस न्यूज की बात करें, इस न्यूज से आपका करंट अफेयर भी क्लियर हो रहा है और स्टैटिक पोर्शन भी बिल्कुल पैरेलल क्लियर हो रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
बिल्कुल, तो बात करेंगे यहाँ अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ेंगे ऑबिचरी के बाद, फिर से देखते हैं क्या है जुड़ा इस सेशन में, अचीवमेंट होगा या अपॉइंटमेंट होगा। जस्ट फोकस करना है और ध्यान से सुनना है, और एक बार ध्यान रखें, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज हर एक हेडलाइन इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स लुक अपॉन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन। टाटा सन्स अपॉइंटेड रूपा पुरुषोत्तम एज चीफ इकोनॉमिस्ट एंड हेड ऑफ पॉलिसी एडवोकेसी टू ड्राइव रिसर्च। टाटा सन्स ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रूपा पुरुषोत्तम को अपना मुख्य अर्थशास्त्री व नीति परामर्शी का प्रमुख नियुक्त किया। सो यस, एज आई टोल्ड यू कि अगली न्यूज अपॉइंटमेंट हो सकती है, अचीवमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो यस, वी हैव एन अपॉइंटमेंट वंस अगेन। टाटा सन्स फिर से हेडलाइन में है रूपा पुरुषोत्तमान के नाम के साथ। सो लेट्स प्रोसीड टू जीए गुरु और जानते हैं उन्हीं से सारे के सारे फैक्ट्स और किस तरीके से इस नाम को रखा जा सकता है याद। तो पूछते हैं जीए गुरु से सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन के। देखिए, टाटा सन्स की बात करें या टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, तो आपको बहुत सारी कंपनी टाटा के नाम से देखने को मिलती हैं। पर अगर उसमें बात करते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी या होल्डिंग कंपनी कौन सी है, वो है टाटा सन्स। उसके अलावा टाटा टीसीएस की बात करते हैं, टाटा मोटर्स की बात करते हैं, वो सारी उसकी सब्सिडरी कंपनी है, मतलब कि वो सारे उसके अंडर में वर्क करती हैं। तो दोस्तों, अगेन मैं बोलना चाहूंगा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी वर्ड मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, लास्ट जो सेशन रहा था उसमें। यहां पर बात हो रही है टाटा सन्स की, जो कि होल्डिंग कंपनी है टाटा की। तो दोस्तों, उसके यहां पर अपॉइंट हुआ, उसने अपॉइंटमेंट किया चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एडवोकेसी रूपा पुरुषोत्तम को। पर्पस सिर्फ इतना है कि न्यूज को बोल सकते हैं पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, या बोल सकते हैं एडवाइजरी के रूप में रूपा पुरुषोत्तम को टाटा सन्स ने अपॉइंट किया है। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि वाइस प्रेसिडेंट रही हैं ये गोल्डमैन सैच इंटरनेशनल, यूएसए का बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है दोस्तों। गोल्डमैन सैच की बात की जा रही है तो उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं, इवन ये फाउंडर मेंबर रही, फाउंडर रही हैं अवारसा लीडरशिप इंस्टीट्यूट की। तो फिर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जब गोल्डमैन सैच से रिलेटेड इनका नाम है। तो आपको याद रखना है कि रूपा पुरुषोत्तम को टाटा सन्स ने चीफ इकोनॉमिस्ट पॉलिसी एडवोकेसी अपॉइंट किया है। यहां बात की जाएगी टाटा सन्स की, फाउंडेड हुआ था 1868 में, फाउंडर है जमशेदजी टाटा, जिनसे हर व्यक्ति वाकिफ है। हेडक्वार्टर की बात करें मुंबई, और चेयरमैन की बात करें एन चंद्रशेखरन या नटराजन चंद्रशेखरन। साइरस मिस्त्री के बाद बहुत सारे देखने को मिले थे, आपको इंटरिम बना, कोई पार्ट टाइम बना, तो दोस्तों उसके बाद फाइनली चेयरमैन जो बने हैं वो नटराजन चंद्रशेखरन बने हैं। टाटा सन्स भी बहुत ज्यादा इस टाइम लाइमलाइट में रहा है, हाईलाइट रहा है, तो इसलिए उससे रिलेटेड फैक्ट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके आने वाले एग्जाम सेशंस के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल, तो बात अगर करें यहाँ, सो डेफिनेटली लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। लेकिन यहाँ एक चीज आई है निकल के कि कैंडिडेट्स अपनी क्वेरीज और अपने कमेंट्स रिगार्डिंग टू डिफरेंट वीडियोस जो भी हम पोस्ट करते हैं हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, चाहे वो लाइव सेशंस की लाइव क्लासेस हो या सब्जेक्टिव जो भी हो पार्ट, उसके डाउट्स कहाँ क्लियर किए जाए। सो वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन पोस्ट ऑल योर क्वेश्चंस बिलो द वीडियो, दैट मीन्स कमेंट बॉक्स में आप वहां पे पोस्ट करें। करंट अफेयर्स लाइव के सेशन में अवॉइड पोस्टिंग द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मैथ्स का डाउट है, रीजनिंग का डाउट है, इंग्लिश का डाउट है, तो आप उनके पर्टिकुलर सब्जेक्टिव वीडियोस पे जाके कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, ताकि फैकल्टीज और हम सब मिलके यहाँ पे आपको उसका करेक्ट आंसर दे सके। सो जस्ट डू दैट, आपका पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट का डाउट है उस सब्जेक्ट के वीडियो पे जाके पोस्ट योर क्वेश्चन, पोस्ट योर क्वेरी एंड गेट योर आंसर्स एंड गेट योर डाउट्स क्लियर, राइट। चलिए देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन। इंडिया एंड नेपाल हैव साइंड 8 MOUs इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हाउसिंग, ग्रांट प्रिवेंशन ऑफ ड्रग, पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन पैकेजेस इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स। भारत और नेपाल ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 8 MOU पर हस्ताक्षर किए, जिनमें आवास अनुदान, ड्रग्स की रोकथाम, भूकंप के बाद पुनर्निर्माण पैकेज जैसे शामिल हैं। सो बात यहाँ पे हो रही है अग्रीमेंट्स की, 8 अग्रीमेंट साइन हुए हैं, 8 MOU साइन हुए हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। सो 2 कंट्रीज हैव बीन इंक्लूडेड ओवर हियर, इंडिया के साथ नेपाल का जिक्र हुआ है। किस तरीके से होंगे इसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट, चलिए जानते हैं जीए गुरु से। देखिए, अभी बात करें तो PM है नेपाल के, उन्होंने इंडिया में विजिट की है और उसी दौरान 8 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और
नेपाल के बीच में साइन हुए। बेसिकली एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सिमिलर होता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एमओयू का मतलब क्या होता है। एमओयू स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो यूं भी कह सकते हैं आपके इंडिया और नेपाल के बीच में 8 एग्रीमेंट साइन हुए। अब इस न्यूज को आपको लर्न कैसे करना है, समझना कैसे है, देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रहती है कि नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स पूछे जाते हैं कितने हुए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स इंडिया और नेपाल के बीच में नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स है 8। और फिर ज्यादा डिटेल में जब एग्जामिनर पूछता तब पूछता है कि कौन कौन से एरियाज में कौन कौन से क्षेत्र में एग्रीमेंट हुए हैं। अगर किसी कंट्री के साथ एक या दो क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहा है, एक या दो एरिया या तीन एरिया मैक्सिमम बोलता हूं, अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्जामिनर एग्रीमेंट का फील्ड पूछेगा। बट अगर मैक्सिमम एग्रीमेंट होते हैं तब वो जाके फील्ड नहीं पूछता। यहां पर बात करते हैं तो जब नेपाल में 2015 में अर्थक्वेक आया था तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें वहां पर अभी भी बिल्कुल बोल सकते हैं कि ज़िगज़ैग है, बिल्कुल डेवलप नहीं है। उनमें बात करें एजुकेशन सेक्टर, हेरिटेज सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, तो इन क्षेत्र में बोला गया है कि पोस्ट अर्थक्वेक तो सारे इन चीजों में डेवलपमेंट के लिए इंडिया उनका फेवर करेगा, उनको देगा। चाहे वो बोल सकते हैं आप एजुकेशन सेक्टर कहिए, चाहे आप हेरिटेज सेक्टर कहिए, चाहे आप हेल्थ सेक्टर कहिए। दोस्तों इवन यहां पर बोला गया है जो नारकोटिक ड्रग्स है, जो ड्रग्स है उनकी इलिसिट ट्रैफिकिंग से बचा जाए, उसको रोका जाए। जो भी ड्रग्स दूसरे देशों से नेपाल से इंडिया में आते हैं बोल सकते हैं बहुत ज्यादा ही हार्मफुल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इन शॉर्ट आप नाम जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एक सिलेबस है, ये बोल सकते हैं कि IAS रैंक के बिल्कुल पैरेलल चलता है। कुछ लोग होते हैं CA करते हैं, कर भी नहीं पाते, फिर भी उनका प्रोफेशन बोल सकते हैं लाइफ बिल्कुल सेटल रहती है, क्योंकि दोस्तों CA करने के बाद या मिड में भी आपको बहुत नॉलेज एनहेंस होती है। तो बोल सकते हैं कंपनी के लिए डॉक्टर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसी के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो नेपाल की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और यहां पर बात करें इंडिया की चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ कि इंडिया उनको सपोर्ट करेगा। यहां पर आपके आई होप क्लियर होगा कि ICAI की बात करें या ICAN की बात करें, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इंडिया उन्हें सपोर्ट करेगा। नेपाल की बात करें, नेपाल के फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। कैपिटल इज काठमांडू, करेंसी रूपी बनती है, पीएम से बहादुर दूबा और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। तो पीएम का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इन्होंने इंडिया में अभी विजिट करी है और इन्हीं के साथ इंडिया के जो इनके जो काउंटर पार्ट रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आई होप पर्टिकुलर न्यूज में आपके ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि भाई कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, किस किस क्षेत्र में हुए हैं। इवन ये भी क्लियर होगा कि जो भूकंप के बाद दिक्कतें रही उसमें इंडिया 50,000 हाउसेस को रिकंस्ट्रक्ट करेगा नेपाल में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज के। बिल्कुल बात करेंगे अगली हेडलाइन की, सो लेट्स लुक अपॉन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। और क्या है वो, ये है वो, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव द नेम ऑफ न्यू सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग स्कीम एज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने नई केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण योजना संपदा का नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY किए जाने को मंजूरी दे दी है। दैट मींस यहां अगर हम बात करें तो somehow किसी एक स्कीम का नाम बदल के दूसरा नाम रखा गया है, कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब सीधी बात है कि न्यू सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग स्कीम को अब जाना जाएगा संपदा योजना के नाम से या संपदा स्कीम के नाम से। तो क्या होगी बेसिकली इनसे सारे के सारे फैक्ट्स, क्या होंगे बेसिकली इनके सारे के सारे एस्पेक्ट्स, जानेंगे जीए गुरु से, तो चलते हैं उन्हीं की तरफ। यहां पर बात करेंगे तो जो स्कीम है उसका नाम था संपदा, उसको चेंज करके रख दिया गया PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। दोस्तों यूं कह सकते हैं कि बहुत सारी स्कीम को क्लब करके, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत सारी स्कीम को क्लब करके एक साथ लाके एक नई स्कीम बनाई गई थी, उसका नाम था संपदा। अब उसका नाम चेंज करके रख दिया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। यूं कह सकते हैं कान यूं पकड़िए, यूं पकड़िए, पकड़ में कान ही आना है, बात वही है, नाम बदल दिया गया है, वर्क प्रोफाइल है बोल सकते हैं, वर्क सारा वही रहेगा। फैक्ट की बात करते तो एग्जाम में आपके लिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, शॉर्ट में पूछता है PMKSY में एस क्या है, PMKSY में के क्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन यूं हो सकता है कि PMKSY की दूसरी फुल फॉर्म भी होती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और यहां बात की जा रही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो आपको दोनों ही फैक्ट याद रखने हैं कि ऑप्शन में पूछ क्या रहा है, क्या कृषि पूछ रहा है कि किसान पूछ रहा है। पर्टिकुलर न्यूज पे आते हैं, इसका पर्पस क्या है, इस योजना के अंतर्गत यह है कि किसानों की इनकम को डबल करना जो मोदी जी का टारगेट है उसमें बिल्कुल बोल सकते हैं एड ऑन करेंगे इसे। इस योजना के अंतर्गत बोला गया है कि एलोकेशन किया गया 6,000 करोड़ रुपए का, और इस योजना के जो बेनिफिट की बात बोली है कि 20 लाख फार्मर के थ्रू 20 लाख फार्मर को इसका लाभ मिलेगा और इसके थ्रू 2020 तक 5.5 लाख जॉब जनरेट होंगी। कैसे,
जो भी फूड प्रोसेसिंग होती है, आप सभी को पता है किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता एमएसपी होने के बावजूद, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने के बावजूद। तो गवर्नमेंट ने बोला कि बीच में मीडिएटर को खत्म किया जाए, फूड मेगा फूड पार्क बनाए जाए जिसके थ्रू उनको मैक्सिमम अपनी जो भी फसल कर रहे हैं उसका रेवेन्यू मिल सके। तो इसकी डिटेल हम और ज्यादा इन फ्यूचर जो हमारी वीडियोस आएंगे गवर्नमेंट की उनमें डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में कि पर्टिकुलर एक एक स्कीम के बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पीएमकेएसवाई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का नाम किसान सिंचाई योजना, किसान संपदा योजना का नाम चेंज हो चुका है और संपदा पहले उसका नाम था। तो इसकी फुल फॉर्म की अगर आप बात करें, संपदा स्टैंड फॉर स्कीम फॉर एग्रो मराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनता है। इसका पीरियड जो चेंज रखा गया, इसका नाम कब तक रहेगा, 2016 से 2020 तक इसके लिए रखा गया कि 2020 तक इसका नाम चेंज रहेगा। और इसके लिए एलोकेशन हुआ था 6,000 करोड़ रुपए का। इसके बोला गया है कि बेसिकली इसमें जब स्टेटमेंट आया था फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर का कहिए, चाहे आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहिए, तो बोला गया इससे 20 लाख फार्मर्स को लाभ होगा और 2020 तक इससे 5.5 लाख जॉब जनरेट होगी। आई होप फिंगर क्रॉस भाई, बिल्कुल 5.5 नहीं और इसका 2 times जॉब जनरेट होनी चाहिए। और यहां अगेन बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के हरसिमरत कौर बादल की, और हरसिमरत कौर के बादल की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं क्योंकि मिनिस्टर का नाम आया तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है, वो बठिंडा पंजाब है। तो अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा, एक न्यूज उसका नाम शॉर्ट में भी याद रखना है आपको, और सेकंड थिंग उसकी फुल फॉर्म एब्रीवेशन भी याद रखनी है, और थर्ड थिंग जिस मिनिस्टर का नाम आया उस मिनिस्टर का नाम और उस मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या रही वो भी आपको बिल्कुल पैरेलल लर्न करके चलना है। चलिए मूव करते हैं, बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो बात करें यहाँ तो ऑलमोस्ट सारी की सारी हेडलाइंस हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें करेंगे यहाँ आप सभी के कमेंट्स को लेके, फिर हम जरूर बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ हम एक चीज बताना चाहें, नोटिफिकेशन का जो एक इशू बना हुआ है रेगुलर बेसिस पे, तो जस्ट मेक इट अ हैबिट टू गेट कनेक्टेड विद अस एट 8 AM शार्प एट महिंद्रा गुरु, राइट। आपको पता है करंट अफेयर्स लाइव का सेशन लाइव हो जाता है सुबह 8 बजे, तो अपनी एक हैबिट बना लीजिए। तो नोटिफिकेशन आया नहीं आया वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि 8 बजे आप और हम मिलके करेंगे सारी के सारी हेडलाइंस को साझा यहाँ पे, तो आपको अपनी एक हैबिट तो बिल्डअप करनी पड़ेगी। दूसरा, कमेंट्स जो हमने कहा वीडियोज पे सब्जेक्टिव पार्ट पे आप पोस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसने वीडियो की तारीफ करी है सिर्फ उसको रिप्लाई मिलता है। आपके जेन्युइन क्वेश्चंस, इफ यू हैव पोस्टेड सम ऐसे क्वेश्चंस जिसके डाउट्स एक्चुअली आपको क्लियर होने जरूरी है, दैट मींस आपने मान लीजिए सिलोजिज्म का कोई क्वेश्चन पोस्ट किया, रीजनिंग में मैथ्स में कोई सीरीज पोस्ट कर दी, इंग्लिश में कोई एरर पोस्ट कर दिया, सो डेफिनेटली वी द गुरु सिटिंग ओवर हियर हम रिप्लाई करते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को। इसके अलावा आपको यहां पे अपनी कनेक्टिविटीज पे ध्यान रखना है, अपने सिलेक्शंस पे ध्यान रखना है, और ये सोचना है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में हर एक पार्ट हर एक प्रोस्पेक्ट को यूज किया जा सकता है। जीए गुरु जुड़ते हैं हमारे साथ सारे के सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करने के लिए और एडिशनल फैक्ट्स को लेके, तो कॉन्सेंट्रेट भी करें साइड बाय साइड सेशन में, एक्स्ट्रा जनरल अवेयरनेस के सेशन में, चाहे इनसेट लेटर की बात हो या तो फिर MOU से जुड़े फैक्ट्स की बात हो या तो फिर आने वाले सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स की बात हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, स्कीम्स की बात हो कि कितनी स्कीम्स हैं बेसिकली, क्योंकि कमेंट्स एक ये भी निकल के आया कि UPSC में 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्कीम्स पे रिलेटेड होते हैं। सो वी अग्री क्योंकि करंट अफेयर्स लाइव का ये सेशन सभी के लिए है, हर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। We not only focus banking, we not only focus SSC, but we try to cover each and every examinations. क्योंकि हर examination में particularly current affairs पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि current affairs के session के साथ general awareness के sessions को भी look out करें। 200 रुपए की जो बात हुई है आज, तो 200 रुपीज का जो नोट issue हुआ RBI से, उसके फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल पे। तो बस होम पेज पे अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखें क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि महिंद्रा गुरु आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये सारी बातें होप अब हो चुकी होंगी क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं न्यूज हेडलाइंस के बाद बनने वाले उनसे क्वेश्चन और आप सभी के आंसर्स, और इसी के आंसर्स पे मोहर लगाने के लिए जोड़ेंगे जीए गुरु को भी स्क्रीन पे अपने साथ, तो करते हैं उनको भी कनेक्ट हमारे साथ और आप सभी भी तैयार हो जाइए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द वेरी पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम्ड फ्रॉम द फर्स्ट हेडलाइन। Who has been appointed as the chairman and managing director of Air India by Government of India?
भारत सरकार द्वारा किसे एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कहना सही होगा इंटरिम अपॉइंटमेंट हुआ है, राजीव कुमार, राजीव बंसल, अश्विनी लोहानी, ए के मित्तल या अशोक लवासा। तो किसका नाम आता है, किसका आंसर आता है? क्विकली टाइप योर आंसर्स एंड टेल अस। एंड यस, वी हैव द आंसर समहाउ इन द कमेंट बॉक्स। जीए गुरु ने देखा, समझा, जाना और जानते हैं उन्हीं से क्या है सही आंसर और किसने दिया सबसे पहले। मैम बात करें तो अंकित कुमार है, बिल्कुल नया नाम देखने को मिला। मोहित यादव की बात करें, उन्होंने आंसर दिया है सबसे पहले। इसके अलावा मोस्टली स्टूडेंट है अमिताभ चौधरी की बात करें, इवन बात करें तनीषा जी की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट है जो बिल्कुल कंटिन्यू आंसर दिए जा रहे हैं और ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जा रहे हैं, दैट इज राजीव बंसल। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर टू राजीव बंसल को क्लियर करते हैं, फिक्स करते हैं एज द राइट आंसर। सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ मार्शल आइलैंड्स? मार्शल आइलैंड की राजधानी का नाम क्या है? त्रिपोली, ट्यूनिस, बगदाद, मजूरो या आगरा? सो स्टैटिक क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक फैक्ट्स, मार्शल आइलैंड की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? क्विकली टाइप एंड टेल अस, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जी गुरु से पूछते हैं कि क्या यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है? बिल्कुल मैम, कंफ्यूजन जायज है क्योंकि फटाफट बोलूं तो अभी तक एक भी स्टूडेंट का आंसर आया नहीं। आ गया, पंकज चौहान ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर फोर। मोहित यादव ने अगेन ऑप्शन नंबर फोर के साथ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सर मजूरो बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि बात करते हैं ट्यूनिशिया की है, बगदाद करें इराक की, बगदाद है। अगर बात करते हैं मजूरो आपकी, ये बिल्कुल सही आंसर है। घाना की बात करें तो घाना की एकरा बनती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर है, बिल्कुल मजूरो राइट आंसर बनता है कि मार्शल आइलैंड की जो कैपिटल है वो मजूरो है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been featured in the LinkedIn Power Profiles list of 2017? 2017 की LinkedIn Power Profile सूची में किसे शामिल किया गया है? नरेंद्र मोदी, प्रियंका चोपड़ा, कैलाश सत्यार्थी, शशि थरूर या ऑल ऑफ द अबव? नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि न्यूज हेडलाइन में दो नाम आए थे, हमें याद है, आप सभी को याद होगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड अ वेरी रिनाउंड सोशल फिगर फॉर्मर मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा। उनके अलावा फैक्ट्स में डिस्कस किया था कैलाश सत्यार्थी का भी नाम, लेकिन यहाँ शशि थरूर जी का भी नाम ऑप्शन में दिख रहा है और एक ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो जी गुरु ही बताएंगे कि क्या है इसका सही आंसर और किसने दिया सबसे पहले। यहाँ बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट है मैम जो सही आंसर दे, रमन दास जी की बात की जाएगी, बिल्कुल वो भी बिल्कुल आंसर दे रहे। अंकिता की बात की जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट है जो आंसर दे, सुप्रिया की बात की जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे जो फिफ्थ ऑप्शन के साथ जा रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमने न्यूज में देखा था नरेंद्र मोदी जी का नाम, प्रियंका चोपड़ा जी का नाम, बट हमने फैक्ट में देखा कैलाश सत्यार्थी का नाम, और लेकिन हमने बरवली आपके साथ शेयर भी किया था कि शशि थरूर जी का भी नाम इसमें शामिल है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फिर दैट इज ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली दैट मींस यहां पे चारों के चारों नाम लिंक्डइन पावर प्रोफाइल्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। General Electric announced the appointment of Dash as President and Chief Executive Officer of GE South Asia. General Electric ने अपने दक्षिण एशियाई परिचालन के लिए किसको कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? जेफरी इमैल, बनमाली अग्रवाल, विशाल वांचू, जॉन राइस या पीटर रे? किसका नाम आता है यहाँ पे? सो डेफिनेटली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, जनरल इलेक्ट्रिक का अपॉइंटमेंट है, सो लेट्स सी। और जीए गुरु से यहाँ पे कहेंगे सही आंसर को भी डिक्लेयर करने और सही नाम को भी जिसने आंसर दिया, लेकिन सर यहाँ शाहिरा की एक कंप्लेन आई है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, तो शाहिरा आप आंसर पोस्ट करिए, जीए गुरु आपका नाम डेफिनेटली लेंगे। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर और नाम जिसने दिया सबसे पहले। अगर बात करें तो मैम नाम वही है पुराना, हर व्यक्ति वाकिफ है, उनका ही नाम लिया जाएगा, लेकिन वो सभी जान चुके हैं। इनकी बात करें अंकिता चौधरी की बात करें, उन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर विशाल वंचू के साथ जा रहे हैं, थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। रमन कुमार, प्रशांत तिवारी की बात करें या निकुंज की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट है मैम जो कि ऑप्शन नंबर थ्री के साथ, दैट इज विशाल वंचू। तो विशाल वंचू इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the color of 200 rupee bank note? 200 रुपए के नोट का रंग क्या होगा? मजेंटा, स्टोन ग्रे, ब्राइट येलो, फ्लोरेसेंट ब्लू या तो फिर व्हाइट? सो यस, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। 200 रुपए की बात हुई है, 25 अगस्त को इशू किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से 200 रुपए का नोट, तो क्या है उसका कलर? तो लेट्स सी द राइट आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड द नेम आल्सो, बिकॉज़ वी आर वेटिंग टू लुक आफ्टर कौन देता है इसका सही आंसर। सो लेट्स सी द राइट आंसर एंड यस समहाउ वी आर गेटिंग। तो सर से पूछते हैं किसका नाम और सही आंसर। यहाँ पर मैम अंजलि रंजन पाल की बात करके, वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल जरूरी है, रिया शर्मा की बात करें, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, उसके अलावा मोहित यादव, रमन दास का है, बाकी स्टूडेंट तो बिल्कुल
बिल्कुल पैरेलल बने हुए हैं, सोनी चौधरी की बात करें, अंकित दुबे की बात करें, मैक्सिमम स्टूडेंट बिल्कुल कंटिन्यू आंसर दिए जा रहे हैं और वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, फ्लोरेसेंट ब्लू, अगर सॉरी बात करें ब्राइट येलो के साथ जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि फ्लोरेसेंट ब्लू तो हम देख चुके हैं 50 रुपीज के नोट का कलर था, और स्टोन ग्रे की बात करें 500 रुपीज के नोट का कलर, तो मजेंटा की बात करते थे वो 2000 रुपीज के नोट का कलर था। तो यहां से आप इस क्वेश्चन के थ्रू सारे कलर याद रख सकते हैं कि किस नोट का कलर क्या है। 2000 का नोट का मजेंटा, स्टोन ग्रे 500, ब्राइट येलो 200, फ्लोरेसेंट ब्लू 50 रुपीज नोट। तो फिर यहां से एक स्टैटिक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल फ्रेम होना जायज है एग्जाम में। तो दोस्तों याद रखिएगा इस पर्टिकुलर न्यूज से फैक्ट जितने भी बने, इवन जो क्वेश्चन बना वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है, और डेफिनेट कह सकते हैं, और मैम भी बिल्कुल इसके साथ शेयर करेंगे कि हाँ भाई इससे तो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की। सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द सिक्स्थ हेडलाइन। हु हैज क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 10,000 मीटर्स एट द 29th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। किसने 29वें विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता? दारिया मास्लोवा, संजीवनी जाधव, लक्ष्मी रानी माझी, सरबनी नंदा या सुधा सिंह। सो एक एथलीट का नाम आया है यहाँ पे निकल के, किसने जीता है रजत पदक, किसने जीता है सिल्वर मेडल। सो आंसर लेंगे जीए गुरु से, नाम लेंगे जीए गुरु से। विशाल साहू आपका नाम भी सर ले सकते हैं अगर आप आंसर टाइप करेंगे और पोस्ट करेंगे जल्दी से। तो लेट्स सी जीए गुरु इस बार किसका नाम लेते हैं और किसका आंसर डिक्लेयर करते हैं। मैम मीरा शर्मा की बात करें, ज्योति तिवारी की बात करें, विशाल की बात करें, तो मैक्सिमम स्टूडेंट रत्नेश की बात करें, मैक्सिमम स्टूडेंट जो कंटिन्यू आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जा रहे हैं, दैट इज संजीवनी जाधव के साथ जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर है संजीवनी जाधव, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल देखा था अभी हमने एशियन चैंपियन रही थी उसमें एथलेटिक में, और यहां पर जो मेडल जीता था वो सिल्वर मेडल जीता। तो आपको दोनों ही याद करके चलना है कि सिल्वर कब जीता और ब्रॉन्ज उन्होंने किस इवेंट में जीता था। चलिए तो देखते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of India's oldest cinematographer who has died recently? भारत के सबसे पुराने छायाकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? अनिल मेहता, सुदीप चटर्जी, राजीव मेनन, रामनंदा सेन गुप्ता या अशोक मेहता? So let's see the right answer from your side and who have given the right answer. Let's see that also. GA Guru से पूछते हैं किस पे लगेगी मोहर इस particular question की और कौन देगा सही answer. So yes, let's get the right answer over here. तो जानते हैं जीए गुरु से ही, तो जीए गुरु किसका नाम लेंगे? शुभम लांबा की बात करेंगे, सबसे पहले उन्होंने आंसर दिया है, और जय कुमार की बात करें उन्होंने भी फर्स्ट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं रामानंद सेन गुप्ता का, मैक्सिमम स्टूडेंट बिल्कुल जा रहे हैं। ज्योति की बात करें, नारायण की बात करें, तो मैक्सिमम स्टूडेंट है कि जो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, दैट इज रामानंद सेन गुप्ता। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देते, जय कुमार का आंसर सबसे पहले आया था, फिर शुभम लांबा, अनुष्का। अच्छा, उससे पहले एक आंसर और देखने को मिला था हमें आदित्य दुबे का, लेकिन मिस्टर दुबे यू हैव आंसर्ड रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 5 आपने टाइप किया था, वो सही नहीं था, राइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Who has been appointed by Tata Sons as chief economist and head of policy advocacy to drive research? किसे टाटा सन्स ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? इसके अलावा उन्हें नीतिगत सुझाव देने वाली इकाई का भी प्रमुख नियुक्त किया गया है। रूपा पुरुषोत्तमन या पुरुषोत्तम, एन चंद्रशेखरन, सौरभ अग्रवाल, विवेक वर्मा या राकेश शर्मा। तो संभव कहा जा सकता है, एक छोटा सा हिंट दिया जा सकता है, अगर जीए गुरु इस बात से अग्री करे आंसर पोस्ट कीजिए, बट यस, लेडी इन द हेडलाइन, लेडी थी यहाँ पे। सो डेफिनेटली देखते हैं यार किसका आंसर आता है, किसका नाम आता है, एंड यस कौन आंसर करता है। तो आंसर भी आ गए हैं, नाम भी आ गए, तो जीए गुरु डिक्लेयर करे सही आंसर और किसने दिया सबसे पहले। देखो मेरी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, तो सभी को नाम पहले ही पता चल चुका है। उसके अलावा भी अगर बात करें तो एडिशनल और किसका नाम लेना, राजा देवेंद्र की बात करेंगे, जिन्होंने बिल्कुल उनके साथ ही आंसर दिया था, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ टिक करना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं कि रूपा पुरुषोत्तम को अपॉइंट किया गया है, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, यहाँ एक चीज हम कहेंगे कि रमन दास, यू आर एक्चुअली अ ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट एस्पायरेंट, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे, अब वो नेट कनेक्टिविटी हो या एक्चुअली आपकी एक्यूरेसी हो, बट अब हम आपसे उम्मीद करते हैं आपके सिलेक्शन की, और हम चाहते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी को यहाँ पे अपने चैनल पे शेयर करना, ना सिर्फ रमन दास बट हर वो एस्पायरेंट जो दे रहा है यहाँ आंसर, हर वो एस्पायरेंट जो जुड़ रहा है अपने आंसर्स की वजह से हमारे साथ।
तो हर उस एस्पायरिंग के सिलेक्शन की उम्मीद भी कहीं ना कहीं आप जगा देते हैं हमारे मन में। तो यहाँ आंसर देना ही सिर्फ एक बात नहीं है, इन आंसर्स के सहारे अपने सिलेक्शंस को फिक्स करना भी जरूरी है। सो वी आर वेटिंग फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड वी आर वेटिंग फॉर यू ऑल, ताकि आपका नाम एक्चुअली महिंद्रा गुरु की साइट पे पेज पे इस तरीके से पोस्ट हो कि यस ये वो एस्पायरेंट है जो प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट पे, क्लेरिकल पोस्ट पे, एसएससीज की पोस्ट पे, किसी भी एग्जामिनेशन पे, एक नेशनल या बोला जाए तो एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपने गोल को अचीव करते हुए सामने बढ़े। चलिए देखते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट एंड पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी अग्रीमेंट्स हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल टू इंडिया, नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? सो आंसर क्विकली 7, 4, 8, 12, 6, कितने यहां पे अग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। सो लेट सी द राइट आंसर। प्रिया सेनी बिल्कुल आप सभी भी हैं यहाँ पे, तो वही हम कह रहे हैं हर वो एस्पायरिंग, क्योंकि आप समझे इस चीज को और आप जाने और माने इस चीज को, हर किसी का नाम लेना यहाँ पे संभव नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। नाम बहुत जल्दी स्किप आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्क्रोल होके ऊपर चले जाते हैं, बट यू आर हियर विद अस और हम हैं आपके साथ आपकी प्रिपरेशन में पीछे, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सही आंसर टाइप कर रहे हो, जे गुरु डिक्लेयर करेंगे द राइट आंसर एंड द नेम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर कहूंगा अगेन, मोहित यादव बोले, रमन दास बोले, वो तो बिल्कुल बने हुए, इनके अलावा बोले अंकिता दुबे का है, चंदन कुमार का है, अगर बात करें बहुत सारे स्टूडेंट है जो बिल्कुल राइट आंसर के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं, बोल रहे सर मैक्सिमम जितने एग्रीमेंट साइन स्टूडेंट चाहे जया कहे, रेखा कहे, प्रदीप की बात करें, मैम सुप्रिया वर्मा की बात करें, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ सर 8 एग्रीमेंट इनके बीच में इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुए। बिल्कुल, तो 8 एग्रीमेंट्स के साथ लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। What does PMKSY stands for? PMKSY का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री कल्याण सेवा योजना, प्रधानमंत्री किसान सेवा योजना, प्रधानमंत्री कल्याण संपदा योजना, प्रधानमंत्री कौशल संपदा योजना या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो यहाँ आंसर इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमें याद है जीए गुरु ने 2 PMKSY के फुल फॉर्म शेयर किए थे। सो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आप सही टाइप करते हैं या नहीं। सो लेट्स लुक ओवर टू द आंसर। विश्वजीत आप भी जुड़े हुए हैं हमारे सेशन में हमारे साथ, तो चिंता मत कीजिए, बार बार हम सबसे यही कह रहे हैं आंसर जीए गुरु से लेते हैं और वो नाम किसका हो सकता है यहाँ सबसे पहले। सो लेट्स सी, बात करें मैम यहाँ पर ज्योति जी कह रही हैं कि सर मेरा नाम भी लीजिए। बिल्कुल ज्योति जी आपका नाम लिया जाएगा, आप क्वेश्चन का आंसर पोस्ट करिए फटाफट से, कोशिश करिए कि चाहे मोहित यादव वो देखिए वो बिल्कुल राइट आंसर देते हैं, क्योंकि वो जब भी हम न्यूज पढ़ाते हैं उस टाइम बिल्कुल उनका फोकस रहता है और उनको बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन आता है वो उनको तुरंत देखने या पेजेस पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नोट करे स्क्रीनशॉट देखने की, वो फटाफट आंसर देते हैं। और कोशिश करिए कि बिल्कुल कि मेंटली प्रेजेंट रहिए, क्योंकि देखिए कोई भी स्टडी करते हैं, इवन आप मैथ्स की क्लास में हो, रीजनिंग क्लास हो, इवन क्लास में हो, ब्रांच में हो, तो फोकस करिए मेंटली प्रेजेंट रहने का। समटाइम होता क्या है पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है बट हमारी आंखें खुली रहती है, बट मेंटली कहीं और ही होते हैं। इसी का कारण होता है कि हमें 1 घंटे का सेशन या 2 घंटे का सेशन में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती। कोशिश करिए इधर उधर की बातों से या बोल सकते पूरा सेशन जो आपका रहता है प्रीवियस डे का, उसके अलावा बातें जब भी ये करंट अफेयर लाइव शो चले तो मेंटली प्रेजेंट रहना सीखिए, खुश रहिए, क्योंकि एक चीज बता रहे हैं कि सेशन तभी आप लोग हेल्थी बना सकते हैं जब आप खुद चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर लर्न करना आपके लिए है और हम तो लर्न करा ही रहे हैं लेकिन करना तो आपको ही है। तो कोशिश करिए कि मेंटली भी प्रेजेंट रहना है, क्योंकि मैंने यहां पर देखा था मैम भटनागर जी की बात करें, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5th के साथ जा रहे हैं, और अगर यहाँ पर बोले जागृति भटनागर, रॉनी रॉय की बात करें, दिव्या सिंह की बात करें, मधु गुप्ता जी की बात करें, जय प्रकाश करें, दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट बोले ऑप्शन नंबर 5th की साथ जा रहे हैं, अवतार सिंह हो, चाहे रमन दास हो, चाहे वरुण कांत जी हो, सभी ऐसे स्टूडेंट हैं। इस बार यहाँ एक चीज कहेंगे, रमन दास का आंसर गलत था, उनने पोस्ट जरूर किया बट उनका आंसर बाद में, बिल्कुल उनने फिर बाद में सुधारा। सोनी मिश्रा का सर यहाँ नाम इंक्लूड कीजिए, आकांक्षा सिंह का नाम इंक्लूड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नाम भी यहाँ सबसे पहले आए थे। हाँ डॉली जन करें सर, यस सर आई एम मेंटली प्रिपेयर। मैम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि तभी हम किसी भी चीज पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। देखिए स्टडी करना है तो एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि चीजें बताएं अगर आप इसे समझेंगे हाँ यार मेरे को स्टडी करना है मुझे बर्डन लगेगा, अगर मैं सोचू यार ये तो मेरे को एंजॉय करना है, कोई मुझसे पूछता है कि भाई तुम जीओ क्यों पढ़ाते हो, मैम कहती है मैम से पूछते हो तुम रीजनिंग क्यों पढ़ाते हो, और भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, तो इंटरेस्ट ही उसी में आता है, जिस चीज को करने में मजा है वही हमें करना चाहिए। आपको स्टडी करने में मजा आ रहा है तो स्टडी करना एंजॉय करना सीखिए। देखिएगा पूरा सेशन आपका बोल सकते हैं मॉर्निंग
मॉर्निंग से लेके इवनिंग जितने रहेंगे आपको कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ सर आज जो पढ़ाया वो दोबारा पढ़ने की जरूरत है, बट आज ही छप जाएगा। चलिए तो इसी आंसर डिक्लेरेशन के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ वी एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यू व्यूवर्स वाचिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब आवर चैनल और कोशिश करें रेगुलर बेसिस पे महिंद्रा गुरु पे हमारे साथ करंट अफेयर्स लाइव 2.0 वर्जन में 8 बजे आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। नोटिफिकेशन की चिंता ना करें, अपनी एक हैबिट बना ले कि सुबह 8 बजते ही करंट अफेयर्स लाइव के साथ आप और हम साझा होंगे सारी हेडलाइंस के साथ। तो इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारे प्रोसेस के साथ वी विल एंड अप, बट यस डू नॉट फॉरगेट आज है एडिटोरियल डिस्कशन का डे, सो डू नॉट गेट एनीवे बिजी। 5 बजे शाम को आपको यहां पे ईटीई में इंग्लिश गुरु के सारे डाउट्स रिगार्डिंग एडिटोरियल्स को क्लियर करना है, क्योंकि हर फ्राइडे आता है ईटीई ताकि प्रिपरेशन हो सके। डिस्क्रिप्टिव्स की जो डिमांड आई है, डिस्क्रिप्टिव को डेफिनेटली यहां पे क्लियर किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस कराई जाएंगी। सो इसी तरीके से अपनी डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स को पोस्ट करते रहे ताकि हम उस पर काम करते रहे। गणेश चतुर्थी है, गणपति जी के आगमन के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। एंजॉय द डे टू द फुलेस्ट, लेकिन यस एक प्रॉमिस खुद के साथ करें कि इस बार सिलेक्ट होना है एनीहाउ, और आपको प्रूव करना है योर सक्सेसेस आर सक्सेस। थैंक यू सो मच।